आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव हर खबर के साथ। थाने जिले के वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता के निवास स्थान पर गणपति बप्पा का हुआ आगमन। पत्रकार अशोक गुप्ता पिछले लंबे समय से अपने पूरे परिवार के साथ थाने जिले के भिमंडी शहर में निवास करते हैं। अशोक गुप्ता 13 वर्षों से विघ्नहर्ता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए गणेश भगवान को 5 दिनों के लिए अपने घर पर स्थापित कर उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे। पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ बप्पा की आरती पूजा सुबह शाम सेवा में लीन होकर करते रहे। आज 5 दिन पूरे होने के बाद पूजा आरती करते हुए अशोक गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बप्पा की किए विदाई। आगे देखिए गणपति स्थापना से लेकर विसर्जन तक की पूरी तस्वीरें। हम गणपति बप्पा को 13 वर्ष से स्थापना करते हैं 5 दिन के लिए। गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ में लेके आते हैं, गाजे बाजे के साथ में विदाई करते हैं। लेकिन अभी 2 वर्षों से कोरोना काल में हम बप्पा को अच्छा से विदाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो बाहर से हमारे घर पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो हमारे घर पे नहीं आ पाते हैं। और अच्छे से गणपति बप्पा का आरती भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कोरोना काल में अपने घर पर किसी को ज़्यादा बुला भी नहीं सकते हैं, कोई आएगा भी नहीं सर। आज हमारे घर में 5वें दिन का गणपति बप्पा का विसर्जन था। और हमारे सब बिल्डिंग के लोग निर्णय किए कि घर के नीचे आरती करके विसर्जन करने के लिए बस 2 ही आदमी साथ में जा सकते हैं। Thank you.